तो देखो बेटा, जो कंसेप्ट ऑफ मास है, मतलब व्हाट इज मास, तो अगर बेटा आप मास नू डिफाइन करना भी है कि है व्हाट इज मास, मास ऑफ बॉडी, तो उसके लिए असि इस मास नू ना एक्चुअली एक टर्म बोलते हैं इनर्शियल मास और एक टर्म है बेटा ग्रेविटेशनल मास। एक्चुअली देखो सानू ये लोअर क्लासेस को ही दसाया जाता वा कि जो अर्थ है वो हर बॉडी नू अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे, ठीक है, और उस फोर्स का नाम सानू बोलिया जाता कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो बेटा एक्चुअली जे सानू कोई कहे कि व्हाट इज ग्रेविटेशनल मास, व्हाट इज इनर्शियल मास, तो पहली नजर से सानू कंफ्यूजन होंगी है कि सानू इस तो पहला था सिर्फ मास ऑफ बॉडी बारे दसिया गया सी, तो ये दो टर्म्स कितना आ गया इनर्शियल मास एंड ग्रेविटेशनल मास। तो उदे लिए सानू थोड़ा जा गल की समझना पड़ेगा, तो किस तरह समझना पड़ेगा, देखो हुन जिस तरह ये पेन है, अगर मैं पेन नू इस पेन नू इदा हाथ के ऊपर रखता ता ये पेन विद रिस्पेक्ट टू दिस हैंड अगर ये शुरू च रेस्ट पे है ता ये थोड़ी देर बाद भी रेस्ट पे ही होएगा, मतलब थानू क्लास 9th या 10th के विच एक कांसेप्ट पढ़ाया जाता थी इनर्शिया है ना, कि कोई भी बॉडी अगर वो रेस्ट पे है ता वो रेस्ट पे रहेगी, अगर वो मोशन च है तो मोशन च रहेगी, प्रोवाइडेड कोई उसके ऊपर फोर्स ना लगाए। तो बेटा फिर अगर ये पेन इनिशियली रेस्ट पे है तो अगर मैं थोड़ी देर बाद देखा कि ये मोशन च सेट हो गया तो उसको मैं कंक्लूजन निकालांगा कि इसे की लग रही है, फोर्स लग रही है। विदाउट फोर्स तुसी किसी भी बॉडी की स्टेट नो चेंज नहीं कर सकते। हम तो स्टेट कितना जो कि स्टेट वर्ड में डिस्क्राइब करते हैं, तो अगर इन पॉइंट्स को दिमाग से रखोगे तो काम बड़ा इजी होगा। देखो वैसे अपन स्टेट के बारे में जो गल करते हैं, स्टेट ऑफ बॉडी, एक तो आप कहने हैं सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म, गैशियस फॉर्म, एक तो वो वाली स्टेट है। एक है कि जड़ी गिवन बॉडी है, अगर पुत्र थोड़ी गिवन बॉडी रेस्ट पे है तो मोमेंटम भी है जीरो, और अगर थोड़ी बॉडी रेस्ट तो मोशन च आ गई, पहला रेस्ट पे थी हूं मोशन च आ गई, जिड़ी मोशन च है बॉडी पुत्र तो मतलब वो नॉन जीरो मोमेंटम पोजेस करेगी, है ना। ये बारे आप अगे चल के डिटेल पढ़ेंगे, आज सिर्फ ये दोनों पॉइंट्स को डिस्कस करने के लिए मैं थोड़ा जहा टाइम लगा रहा हूँ ये, बट डिटेल दे विच भी फर्दर आप मतलब आज तो मान लो से आफ्टर 1 month से भी वारी आएगी जो फिर उन्होंने डिटेल पढ़िया जाएगा। हम तो जी मैं थोड़ा गल दस रहा पुत, वो ये है कि अगर मेरे सामने एक बॉडी इनिशियली रेस्ट पे है तो थोड़ी देर बाद वो मोशन च आ चुकी है, वो मूव कर रही है, तो उस केस के मैं इस सिचुएशन को
ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਰੈਸਟ ਹੈ, ਮੋਸ਼ਨ ਚ ਆ ਗਈ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖਾਂਗਾ ਕਿ ਇਨੀਸ਼ਲੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਮੋਮੈਂਟਮ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਅਤੇ ਆਫਟਰ ਸਮ ਟਾਈਮ ਉਹਦੀ ਮੋਮੈਂਟਮ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਦਾਂ ਦੇਖਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਡੀ ਦੀ ਮੋਮੈਂਟਮ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਕੈਨਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਬਾਡੀ ਦੀ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਸਟੇਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਸਦੀ ਮੋਮੈਂਟਮ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੋਮੈਂਟਮ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਮੋਮੈਂਟਮ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਟਾ ਫੋਰਸ ਮਸਟ ਹੈ, ਵਿਦਆਊਟ ਫੋਰਸ ਮੋਮੈਂਟਮ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ। ਮੋਮੈਂਟਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਰਸ ਦਾ ਲੱਗਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਡੀ 'ਤੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇਗੀ ਮੋਮੈਂਟਮ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਂਗਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਅਗਰ ਪੁੱਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਨੋਰਮਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਰਡ ਕੀ ਯੂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਡੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਡੀ ਰੈਸਟ ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੈਨ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੋਸ਼ਨ ਚ, ਦੋਨੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋਨੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੈਨ ਦਾ ਮਾਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਨੋਰਮਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਿਵਨ ਬਾਡੀ ਦਾ ਮਾਸ ਫਿਕਸਡ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕੁਛ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੱਕ ਇਹ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਕਿ ਅਗਰ ਬਾਡੀ 'ਤੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਫਿਊਜ਼ਨ ਸੋਚਣਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮੋਮੈਂਟਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਦੂਸਰਾ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਰਸ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਬਾਡੀ ਦੀ ਵਿਲੋਸਿਟੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਡੀ ਦੀ ਵਿਲੋਸਿਟੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਵਿਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੇਸਿਕ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬਾਡੀ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਬਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬਾਡੀ ਵਿਲੋਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਾਡੀ ਵਿਲੋਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਡੀ ਦੀ ਵਿਲੋਸਿਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬਾਡੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਡੀ ਦੀ ਵਿਲੋਸਿਟੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਲੋਸਿਟੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਕੰਫਿਊਜ਼ਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਵਿਜ਼ੂਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵਿਜ਼ੂਲਾਈਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪੁੱਤ? ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਡ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਲੋਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਪੀਡ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਟੈਂਸ ਓਵਰ ਟਾਈਮ, ਵਿਲੋਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਓਵਰ ਟਾਈਮ। 9th ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਨੰਬਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਸੋਲਵ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਬਟ ਪਲੱਸ 1 ਚ ਆ ਕੇ, ਪਲੱਸ 2 ਚ ਆ ਕੇ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੈ, ਤੋ ਉਸਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਵੀ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ਤੋ ਵਿਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਜੋ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੀਡ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ ਸਪੀਡ, ਵੀ ਸਪੀਡ ਦਾ ਵਿਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਪੀਡ ਦਾ? ਸਪੀਡ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆਫ ਵਿਲੋਸਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੂੰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਾ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਆ ਤਾਂ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਪੀਡੋਮੀਟਰ। ਸਪੀਡੋਮੀਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਪੁੱਤ? ਸਪੀਡ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਾਰ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ
कि जिहड़ा स्पीडोमीटर है उसकी रीडिंग 75 किलोमीटर पर आवर से ही है, ना घट रही है ना ज्यादा हो रही है, साथ ही कहेंगे स्पीड कॉन्स्टेंट है ना। अच्छा हूँ स्पीड जो है वो मैं बोल रहा हूँ दैट इज आल्सो नोन एज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। इसका मतलब अगर थोड़ी कार दे अंदर स्पीडोमीटर की वैल्यू 75 किलोमीटर पर आवर है और वो बदल नहीं रही, इट मीन्स या तो तुम कहोगे कि स्पीड कॉन्स्टेंट है या कहोगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी भी कॉन्स्टेंट है। पर जो मैं कार को आप ड्राइव कर रहे हैं तो अभी स्ट्रेट रोड पे जा रहे हैं, ठीक है, पर अचानक असी की किया थोड़ा टर्न ले ली, जो तुम टर्न ले ली तो तुम की कहोगे कि तुम्हारी जी डायरेक्शन ऑफ मोशन है जिस तरफ तुम जा रहे थे ऑब्जेक्ट जा रहा थी वो बदल गए। तो जिदा पुत बॉडी की स्पीड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है उसी तरह नाल जिहड़ी बॉडी की डायरेक्शन ऑफ मोशन है जिस तरफ बॉडी जा रही है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में। हाले नू थोड़ा जहा कुछ ज्यादा स्ट्रेस नहीं देने की लोड़, बस कोशिश करो कि क्या मैं समझ आ रही है कि अगर मान लो मैं थानू कहना वा कि बॉडी की वेलोसिटी जो है उसकी डायरेक्शन है नॉर्थ, तो इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी भी नॉर्थ ही है। या अगर मैं कहना कि डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी है नॉर्थ तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी भी नॉर्थ ही है। तो जे मैं कहना बॉडी की स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर तो इट मीन्स वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 75 किलोमीटर पर आवर। तो इट मीन्स डायरेक्शन ऑफ मोशन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी नू रिप्रेजेंट कर रहा, स्पीड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी नू रिप्रेजेंट कर रहा, और दोनों नू मिला के स्पीड ते डायरेक्शन ऑफ मोशन नू मिला के वेलोसिटी कंप्लीट हो जाती है। मतलब जब मैं वेलोसिटी बारे दसांगा तो मैं की कहांगा कि जिदा मैं कल्ला कल्ला थानू दसिया ना कि मान लो थोड़ी कार जिहड़ी है उसकी स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर और उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन है नॉर्थ नॉर्थ की तरफ, तो मैं दोनों नू मिला के कहांगा कि मेरी कार की वेलोसिटी है 75 किलोमीटर पर आवर अलोंग नॉर्थ, ठीक है। अच्छा हूँ बेटा अगर तुम जा रहे हैं तो तुम की देखा कि जा तो सीधे रहे हैं पर ब्रेक्स लगाती हैं, तो इट मीनस आप कहे स्पीड चेंज हो गई, जे ब्रेक लगाती हैं तो इट मीनस की होया स्पीड घट गई है ना, तो वेलोसिटी भी चेंज हो गई। अच्छा जे सपोज करो आप एक स्ट्रेट रोड ओपन रोड से जा रहे हैं तो जे तो काफ़ी ट्रैफिक आ जाए इसको नाम फिर आप ब्रेक लगाने हैं, तो जे मान लो सड़क बिल्कुल खाली है तो असी इनू स्पीड अप करता तो ही असी की करता वेलोसिटी में चेंज करता। वेलोसिटी कदों चेंज होएगी पुत्र? हाँ जे स्पीड चेंज हो रही है ना तो तुम कहोगे वेलोसिटी चेंज हो रही है। पर दूसरी गल मान लो तुसी सड़क पर जा रहे हो सीधी सड़क है और व्हीकल की स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर, तो अचानक वो सड़क जी सीधी है वो बेंड हुई है थोड़ा मोड़ आ गया, तो जो तुम उस मोड़ के ऊपर जा रहे हैं 75 किलोमीटर पर आवर नाल तो थोड़ी स्पीड नहीं चेंज हुई पर डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो गई, तो असी कहांगे अगेन वेलोसिटी चेंज हो गई। तो थानू पता होना चाहिए कि वेलोसिटी कदों चेंज होंगी है, तुसी उन्हों प्रैक्टिकली किस तरह आंसर कर सकते हैं ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर मान लो थोड़े सामने कोई भी बॉडी कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी व्हीकल मूव कर रहा तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है कि नहीं हो रही, वो थानू उसके दो पॉइंट से कंसनट्रेट करना पड़ेगा, एक उसकी स्पीड से एक उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन से। दोनों विचों के एक भी पार्ट चेंज कर रहा तो असी कहांगे वेलोसिटी चेंज हो रही है, और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो असी कहांगे कि ये बॉडी एक्सेलरेट कर रही है,
और अगर मैंने कोई कहे कि बॉडी की एक्सेलरेशन जीरो है तो इसका मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, और वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही का मतलब ना तो स्पीड और ना ही डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा, मतलब इस तरीके को विजुअलाइज करना है ना। तो हूँ बेटा आप वापस आने हैं कि गल आप शुरू की थी मासिस तो, तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन वाल थोड़ा आइडिया लैके वापस आ रहे हैं। तो अगर मित्र किसी भी बॉडी के उपर फोर्स लगेगी तो मोमेंटम चेंज करेगी, पर जिस कंडीशन फिजिक्स के कंसैप्ट पढ़ रहे हैं उन्होंने कंडीशन मान के चलते हैं कि किसी भी गिवन बॉडी का मास कॉन्सटेंट है, फिक्स है। तो उस कंडीशन ये भी कह सकते हैं कि फोर्स के एक्ट करने मोमेंटम का चेंज होएगी, बॉडी की वेलोसिटी भी चेंज करेगी, और बॉडी की वेलोसिटी चेंज होने एक्सेलरेशन पैदा होगी, है ना। तो हूँ बेटा फोर्स दे लगन नाल एक्सेलरेशन पैदा होती है, तो जब भी कोई बॉडी थोड़े सामने एक्सेलरेट कर रही है तो उसकी पहचान थोड़े को कितना होगी, हूँ एक्सेलरेट करने का मतलब है बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है। और अगर थानू बॉडी की एक्सेलरेशन और बॉडी का मास पता वा तो मास से बॉडी की एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट नू असी फोर्स बोलते हैं, और इस लॉ नू तुसी पढ़ के आए हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो हम आ जो फार्मूला है ये अकॉर्डिंगली अगर बॉडी पे फोर्स लगेगी बॉडी एक्सेलरेट करेगी, एक्सेलरेट का मतलब वेलोसिटी चेंज होएगी, और जब बॉडी एक्सेलरेट कर रही है तो उसका कारण फोर्स का लगना, बिना फोर्स बॉडी एक्सेलरेट नहीं कर सकती। इट मीन आज के बाद अगर तुसी देखो किसी भी प्रॉब्लम च कि एक बॉडी जी है वो वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब वो एक्सेलरेट कर रही है, तो इट मीनस तुसी समझ जाना ये पे फोर्स लग रही है। बिना फोर्स एक्सेलरेशन जीरो होएगी, बिना फोर्स वेलोसिटी कॉन्स्टेंट रहेगी, चेंज नहीं करेगी। तो हूँ बेटा वापस आप डेफिनेशन पे आने हैं। इट मीनस देखो इस फार्मूला के अकॉर्डिंगली बॉडी का मास है फोर्स डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन, आप फार्मूला हूँ पुत्र आ देखियो हूँ आ पेन है, हूँ मैं इस पेन के ऊपर की लगा रहे हैं फोर्स, फोर्स लगा रहे हैं, है ना। तो दूसरा केस है आ देखियो ये आ आई का ऑब्जेक्ट है, तो जब मैं इन छड़ांगा ये नीचे नु क्यों जा रहा है, पुत्र ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। तो जेड़ी मैं जो मैं किसी बॉडी नू पुश कर रहा वा तो वो फोर्स जेड़ी है वो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। इहदा मतलब आपां ब्रॉडली इदां कह सकते हैं कि एक ग्रेविटेशनल फोर्स है तो एक नॉन ग्रेविटेशनल फोर्स है, इदां ब्रॉडली कह सकते हैं। हुण अगर पुत्र थोड़ी बॉडी ते लगन वाली फोर्स नॉन ग्रेविटेशनल फोर्स, उन्हों असी इनर्शियल फोर्स भी कह देने हैं, मतलब बॉडी के ऊपर लगन वाली फोर्स अर्थ के कारण नहीं है किसी होर कारण करके है, दैट इज नॉन इनर्शियल, दैट इज नोन एज इनर्शियल फोर्स। तो जिहड़ी फोर्स है जिहड़ी बॉडी से लग रही है उसका कारण की हो सकता है, या ग्रेविटेशनल फोर्स होएगी या नॉन ग्रेविटेशनल मतलब इनर्शियल होएगी। तो अगर पुत्र बॉडी पे लगन वाली इनर्शियल फोर्स है तो जब तुसी इनर्शियल फोर्स नू बॉडी की एक्सेलरेशन नाल डिवाइड करोगे तो जिहड़ा बॉडी का मास आएगा उन्हू असी इनर्शियल मास बोलते हैं, और जदों बॉडी के उपर लगन वाली फोर्स केड़ी है पुत्र ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो एक गल होर नोट कर लो कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जिहड़ी एक्सेलरेशन पैदा होएगी, तो अगर बॉडी पे लगन वाली फोर्स ग्रेविटेशनल है और बॉडी की एक्सेलरेशन ए है तो ग्रेविटेशनल फोर्स नू बॉडी की एक्सेलरेशन नाल डिवाइड करन ते जिहड़ा मास आएगा दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल मास, ठीक है। तो इहदा मतलब अगर मैनू अज तो बाद कोई पुछे
कि मास किन्नी तरह का होंगे, तो मैं कह सकना दो तरह का, एक इनर्शियल एक ग्रेविटेशन, ठीक है। अच्छा अगर मैंने कोई कहे कि डिफाइन कितना कर रहे हैं, तो मैं कह सकता कि इनर्शियल मास है बेसिकली रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स टू एक्सेलरेशन, तो ग्रेविटेशनल मास के बराबर है रेशियो ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स टू एक्सेलरेशन। पर लकीली साड़ी खुशकिस्मती कह लो कि ये बॉडी के दो मासेस है इनर्शियल एंड ग्रेविटेशनल, इन्हां दी बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है। मतलब जदों आपां बॉडी का इनर्शियल मास कैलकुलेट किया और उसके बाद उसे बॉडी का ग्रेविटेशनल मास कैलकुलेट किया और दोनों की वैल्यू सेम आई, इस कारण करके फिर आप उस तो बाद उन्होंने फर्क भूल गए, है ना। तो यह मतलब जो अज तो बाद मैं कोई मास ऑफ बॉडी कहता वा तो उस मास के इनर्शियल मास भी किया जा सकता है ग्रेविटेशनल भी, बट बेसिक डिफरेंस की है दोनों च, वो अपना डिस्कशन ये दसिया कि किसी भी बॉडी के मास नू असी दो तरह नाल डिस्कस करते हैं इनर्शियल एंड ग्रेविटेशनल, बट दोनों की वैल्यू न्यूमेरिकली सेम होने करके असी उस फर्क नू हुण भुल जाना वा, तो मास ऑफ बॉडी ही कंसीडर करना वा। और किसी भी बॉडी के मास नू मेजर करने लई बेटा जिहड़ा एसआई यूनिट है वो तो किलोग्राम है, तो सीजीएस ग्राम है। पर इसके अलावा प्रैक्टिकली तुसी देखने हैं कि तुसी कई तरह के यूनिट यूज करते हैं, जिदा कि असी यूनिट यूज करते हैं मास के लिए क्विंटल, तो वन क्विंटल का मतलब 100 kg, फिर कुछ मीट्रिक टन, 1 metric ton का मतलब 1000 kg, क्योंकि कई बार पता की होना थानू दस्या भी जो आप कोई भी फार्मूला यूज करते हैं तो उस फार्मूला जो असी वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है तो वो प्रेफरेबली सारे का यूनिट एसआई ही होना चाहिए। हूँ मास का एसआई यूनिट का किलोग्राम है, हूँ मान लो कल मैनू किसी न्यूमेरिकल बॉडी का मास क्विंटल दिता या टन दिता मीट्रिक टन, एक महीने पहला मैं उन्होंने किलोग्राम च कन्वर्ट करांगा और वो मैं पता होना चाहिए कि एक क्विंटल च कितना किलोग्राम है या एक मीट्रिक टन च कितने किलोग्राम। दूसरी गल जिहड़ा मास है उहदे इसको इलावा भी बहुत सारे यूनिट्स, ठीक है। पर जो असी बेटा गल करते हैं जिदा आप लेंथ के बारे गल की कि एक होंगे माइक्रोस्कोपिक यूनिट, एक होंगे मैक्रोस्कोपिक, है ना। मैक्रोस्कोपिक यूनिट के विच बेटा साडे कोल एक नाम याद रख लेना, इंडियन साइंटिस्ट इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट है चंद्रशेखर लिमिट, पूरा नाम है चंद्रशेखर लिमिट। चंद्रशेखर लिमिट जिहड़ा मास है वो 1.4 टाइम्स द मास ऑफ सन है, मास ऑफ सन है, ये वैल्यू रफली याद कर लेनी है ना तुसी, और आ भी थोड़ा थोड़ा आइडिया जो नोट कर लो, तो ये कोई ज्यादा इन डिटेल जान की नहीं सानू लोड।
ठीक है बेटा। अच्छा तो जो माइक्रोस्कोपिक यूनिट ऑफ माप है, हम देखो जो अच्छी ना मुझे मैटर की गल करते हैं, थानू पता मैटर बनया होया एटम्स तो, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, न्यूक्लियस है ना, सारा कुछ उसके अंदर है। तो हम एटम का मास, न्यूक्लियस का मास रिप्रेजेंट करने लिए जरा छोटा यूनिट असी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मास यूज करते हैं, वो यूनिट की है? तो वो यूनिट है, उसका पुराना नाम हुंदा सी एटॉमिक मास यूनिट, AMU, जिसका हम नवा नाम रख दिता गया यूनिफाइड मास यूनिट, यू। मतलब है दोनों सेम ही, बट इनू नहीं आप हम लिख रहे, आ लिख रहे हैं यूनिफाइड मास यूनिट। और 1 U की वैल्यू बेटा, मास की वैल्यू जी है वो 1.67 × 10⁻²⁷ kg है। ये याद रख लेना, ये केमिस्ट्री भी तुम्हें दसिया जाएगा, फिजिक्स भी यदि लोड पैंती है, कि जो एटॉमिक मास यूनिट है उसका हम न्यू नेम है यूनिफाइड मास यूनिट, और 1 यूनिफाइड मास यूनिट की वैल्यू है 1.67 × 10⁻²⁷ kg। ठीक है ना, किसी तरह जो असी कंसेप्ट ऑफ टाइम की गल करते हैं, तो एक्चुअली व्हाट इज टाइम? अगर सानू कोई पूछे भी टाइम है की है, तो असी उसनू किसी नू दस नहीं सकते कि व्हाट इज टाइम। जे थानू कोई पूछे भी होने कि टाइम की है, समय की है, कि समय की है जिदे करके असी बचपन तो जवानी जाने हैं, जवानी तो बाद बुढ़ापा आके मर जाने हैं, तो एक है ना टाइम, पर है की है वो बारे नहीं असी दस सकते भी है की है। ये दस सकते कि टाइम के नाल आ चेंजेस आ गया है ना, या जे आप प्लांट की गल करिए तो ग्रो कर रहे हैं, फ्रूट लग रहे हैं, एंड सो ऑन, बट है टाइम की उन्होंने नहीं दसाया जा सकता, उन्होंने डिफाइन नहीं कर सकता। बस उसकी एक सिंपलेस्ट डेफिनेशन जो आइंस्टाइन ने दसी है कि जो घड़ी दसती है वो टाइम है, बस इन्नी गल याद रख लेनी अपना। बट टाइम जो फिनोमिना है इसको असी मेजर कर सकते हैं, पर इन मेजर करने के लिए बेटा साढ़े को किस चीज का होना जरूरी है? कोई भी जो फिनोमिना अपने आप को आफ्टर रेगुलर टाइम इंटरवल रिपीट करे, तो उसकी हेल्प के नाल असी टाइम मेजर कर सकते। हम जिदा तुसी देखते हैं कि अर्थ सन दे अबाउट रिवॉल्व कर रही है, और एक चक्कर 365 डेज कंप्लीट कर लेती है, 1 ईयर कह लो, उस तो बाद फिर वह प्रोसेस स्टार्ट हो जाता। तो जेड़ा मतलब जे आप देख लीए अर्थ ने किन्ने चक्कर लगाए सन दे अबाउट, 19 साल हो गए है ना। जे आप अर्थ की रोटेशन देखिए अबाउट इट्स ओन एक्सिस, भी अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर रही है, तो वो 24 आवर टाइम है। यदा मतलब जे अर्थ एक्सिस के अबाउट 4 चक्कर लगा रही है अपनी एक्सिस, तो 96 आवर का टाइम हो गया ना। तो कोई भी जो फिनोमिना जो अपने आप में रिपीट कर रहा है आफ्टर रेगुलर टाइम इंटरवल, उन्हें अच्छी यूज कर सकते हैं टू मेजर टाइम। बट ऐसा यूनिट ऑफ टाइम की है सेकेंड, सीजीएस भी सेकेंड ही है, पर इसके अलावा जितना आप मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड है ना, नैनो सेकेंड, पीको सेकेंड, फेमटो सेकेंड, जो मर्जी लिखी हो सानू प्रीफिक्सेस पता ही है। इसके अलावा किलो सेकेंड, मेगा सेकेंड, गीगा सेकेंड वो भी कर सकते हैं, ईयर भी है, तो डिफरेंट यूनिट्स है ना टाइम दे। और इन विचों एक जिहड़ा यूनिट आप यूज नहीं करते वो है शेप,
वन शेष टाइम का मतलब 10^-8 सेकेंड। तो जितना आप याद नहीं कि तो 1 hour 3600 seconds होंगे होता है, याद कर लो वन शेक को टाइम है जिसकी वैल्यू 10^-8 सेकेंड है। शेक इतना लिखना पूरा कंप्लीट वन शेक। तो कई बार स्कूल जब पूछ लेंगे यार कि वन शेक की वैल्यू दसो है ना, उसके लिए जाइना और कुछ नहीं है। तुम बेटा नेक्स्ट जो अपना हम कंसेप्ट स्टार्ट करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है स्कूल ले भी कंपटीशन ले भी दोनों ले। पहले पार्ट का ना तुम कुछ देखो जो अगला पोर्शन आप स्टार्ट करन लगे हैं और जेदे थानू डायमेंशनल एनालिसिस एक्चुअली बेटा जिस तरह तुसी आम लाइफ दे विच जो आप किसी भी परसन दे रिगार्डिंग स्टडी करते हैं ना, भी असी की देखते हैं भी एक परसन है जिहड़ा स्टडी दे विच भी टॉप कर रहा, वो परसन स्पोर्ट्स दे विच भी काफी अच्छा वो है ना, वो परसन गुड ऑरेटर भी है, वधिया भाषण भी दिंदा वा, डिबेट्स दे विच भी पार्टिसिपेट करता वा है ना। तो असीं कहने आ वी इहदियां ना मल्टीपल डायमेंशनस है, अलग अलग डायमेंशनस मीन्स दी टाइप मल्टीपल डायमेंशनस है ना, भी ये बंदा बहुत ऑलराउंडर है हर फील्ड दे विच एक्सपर्ट है वधिया परफॉर्म कर रहा मल्टीपल डायमेंशन। तो हूँ बेटा इतने जरा डायमेंशनल एनालिसिस का कंसेप्ट है एक्चुअली फिजिक्स दे विच बेटा जब आप स्टार्ट किया थी तुहानू दस्या कि मास ठीक है लेंथ टाइम इलेक्ट्रिक करंट थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ते ल्यूमिनस इंटेंसिटी थी, पर एरे विच ओदी लोड नहीं पैनी ज्यादा। देन क्वांटिटी ऑफ मैटर हुण देखो बेटा अलग अलग सिचुएशन दे विच डिफरेंट बॉडीज का मास डिफरेंट हो सकता हुंदा वा, अलग अलग सिचुएशन च डिफरेंट बॉडी जिहड़ी है बॉडीज है उन्हां दी लेंथ या ब्रेड्थ या हाइट अलग अलग हो सकती है। टाइम भी मीन्स फिजिक्स का लैक्चर हो सकता 1 hour का वा, केमिस्ट्री का हो सकता 1 hour 20 minutes है ना, एंड सो ऑन। इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू भी अलग अलग सिचुएशन अलग अलग हो सकती है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर भी। पर जो असी बेटा डायमेंशनल एनालिसिस कंसेप्ट पढ़ना तो जो मास है फंडामेंटल क्वांटिटी इसका सिंबल कैपिटल एम लिखना, लेंथ का सिंबल कैपिटल एल लिखना, टाइम का सिंबल कैपिटल टी लिखना, करंट का सिंबल कैपिटल ए यूज करना, टेम्परेचर का सिंबल केल्विन यूज करना और क्वांटिटी ऑफ मोल का सिंबल मोल ए यूज करना। मतलब टाइम की जगह से कैपिटल टी सिंबल यूज होएगा, करंट की जगह से एंड सो। फिर पुत्र तो आप कह सकते हैं कि ए सारे सिंबल है फंडामेंटल क्वांटिटीज के, क्योंकि मास इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी, लेंथ इज ए फंडामेंटल, टाइम इज ए फंडामेंटल है ना।
ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੈ ਏਰੀਆ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਬਾਡੀ ਮੰਨ ਲਓ ਸਰਕੂਲਰ ਪਲੇਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਪਲੇਟ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈਂਥ ਇੰਟੂ ਬ੍ਰੈਥ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਬਟ ਏਰੀਏ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਲੈਂਥ ਇੰਟੂ ਬ੍ਰੈਥ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਬਟ ਅਗਰ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੁੱਤ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਥ ਦੇ ਲਈ ਐਲ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਚਾਹੇ ਲੈਂਥ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਚਾਹੇ ਬ੍ਰੈਥ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਾਈਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈ ਸਭ ਲੈਂਥ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਚ ਬ੍ਰੈਥ ਵੀ ਐਲ ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਐਲ ਸਕੁਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋ ਏਰੀਆ ਦਾ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਤੋ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਏਰੀਆ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੈ, ਡਿਰਾਈਵਡ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੋ ਲੈਂਥ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਂਥ ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਸ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਨਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਨਾ ਕਰੰਟ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੁਆਂਟਿਟੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਲੈਂਥ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰ ਐਲ ਸਕੁਅਰ। ਤੋ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਵਰਡ ਕੀ ਹੈ, ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਰਾਈਵਡ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਏਰੀਆ। ਤੋ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ ਏਰੀਆ 'ਚ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਮਾਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜ਼ੀਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਕਰਮ ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਹੈ 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਮਾਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 0, ਮਾਸ ਐਬਸੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਲੈਂਥ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਥ ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ 2 ਹੈ, ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ। ਤੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ 7 ਹੈ, ਬਟ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ MLT ਨੂੰ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਿਆ ਪੁੱਤ, ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫੋਰ ਏਰੀਆ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲੀ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਤੋ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੋਲਿਊਮ, ਤੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਐਲ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਲੈ ਲੂ, 3 ਵਾਰ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਡੈਂਸਿਟੀ, ਮਾਸ ਓਵਰ, ਹੁਣ ਮਾਸ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੈ ਐਮ, ਔਰ ਵੋਲਿਊਮ ਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਨਿਕਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਐਲ ਕਿਊਬ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਆਹ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਫ ਡੈਂਸਿਟੀ ਲਿਖੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣੀ, ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ
ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 9th 10th 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ ਮੈਥ ਫਿਜਿਕਸ 'ਚ, ਬਟ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ 1 'ਚ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਸਟ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਆਈਡੀਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਰੈਲੇਟਿਵ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪੁੱਛ ਰੈਲੇਟਿਵ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਨੂੰ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੇਸ਼ੋ ਲੈਂਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੈਲੇਟਿਵ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਬਾਡੀ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੰਨ ਲਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੈਨ ਦੀ ਰੈਲੇਟਿਵ ਡੈਂਸਿਟੀ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਪੈਨ ਅਤੇ ਨੀਚੇ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਵਾਟਰ ਐਟ 4°C। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਵਾਟਰ ਵੀ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਹਾਲੇ ਨਾ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕੰਮ। ਤੋ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਵਾਟਰ ਐਟ 4°C ਮੈਕਸੀਮਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਵਾਟਰ ਮੈਕਸੀਮਮ 4°C 'ਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਮੈਕਸੀਮਮ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਵਾਟਰ ਐਟ 4° ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 g/cc ਹੈ, ਸੀਸੀ ਮਤਲਬ ਕਿਊਬਿਕ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਜਾਂ 1000 kg/cu m। ਮਤਲਬ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਵਾਟਰ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੈਕਸੀਮਮ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 1000 kg/cu m। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਰੈਲੇਟਿਵ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਾ 'ਚ ਉੱਪਰ ਵੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਵੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ। ਤੋ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਐਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਲ ਵੀ, ਤੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਨਾ ਤਾਂ ਐਮ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਐਲ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਟੀ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਰੈਲੇਟਿਵ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖੋ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗਾ? ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਹਾਂ, ਆਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸਟੈਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਯਾਦ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਤਾ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ? ਕਿ ਇਹਦੀ ਰੈਲੇਟਿਵ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਲੈਸ ਕੁਆਂਟਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੈਲੇਟਿਵ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਯੂਨਿਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਯੂਨਿਟ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਮਾਸ ਯੂਨਿਟ। ਉਹਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਰੈਲੇਟਿਵ ਡੈਂਸਿਟੀ ਲੇਟੈਸਟ ਨੇਮ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਜਾਏ ਸੀ ਰੈਲੇਟਿਵ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖੋ ਜਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦਾ ਲਿਖੋ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਨੋਟ ਕਰੋ।
ठीक है बेटे, हम देखो हम तुसी स्पीड का फार्मूला सी लिख लेने हैं डिस्टेंस ओवर, तो की लिखोगे बोलो एल बाई टी, क्योंकि डिस्टेंस का लेंथ ही है। तो हम अगर आप टी ऊपर ले दीजिएगा, अच्छा वेलोसिटी का भी, तो डिस्प्लेसमेंट भी था बेसिकली, अच्छा फिर अगर आप एक्सेलरेट, अच्छा एक और गल बोलो, सुनोगे हम इतने आके ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जिहड़ा तुसी याद रखना पुत्र, वो की है, वो ये है अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो 5+5 आंसर, अगर अभी मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो x+x आंसर 2x ही होगा अगर मैथमेटिक्स, ठीक है। असी हम बेटा डायमेंशनल एनालिसिस का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, तो अगर आया मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंगली आंसर भी होना चाहिए 2l, बट डायमेंशनल एनालिसिस के विच l प्लस l का मतलब है व्हेन लेंथ is added to length, so in answer we get new length. When time is added to time, we get new time. When temperature is added with temperature, we get new temperature. So double नहीं करना, मतलब ये पुत्र तुसी नोट करियो कि हुण तक तुसी सिंपल मैथमेटिक्स एडिशन सबट्रैक्शन दे कंसेप्ट पढ़े है, तुसी कभी भी इदां नहीं नोट किया होएगा कि अगर थानू किते भी उन्हें बोलिया होए कि एड 2 kg विद 2 seconds, 2 kg 2 kg नाल या 4 kg नाल या 6 kg नाल ही ऐड करूंगे, means only like quantities can be added or subtracted. Subtraction की भी इतना ही है, और हमें इतना का कहेगा final temperature जो initial temperature minus करो, final velocity जो initial velocity minus करो, पर इतना नहीं कहेगा कि final velocity जो initial temperature minus कर दे, इतना नहीं होएगा, क्योंकि only like quantities can be added or subtracted. तो हम आ वाला फार्मूला दसदा वा कि लेंथ दे नाल लेंथ ही ऐड होएगी आंसर लेंथ आएगा, टाइम दे नाल टाइम ऐड होएगा आंसर टाइम आएगा, टेंपरेचर नाल टेंपरेचर ऐड होएगा तो टेंपरेचर आ जाएगा, और इसी तरह सबट्रैक्शन च भी है, मैथमेटिक्स च एल माइनस एल जीरो है, बट एल माइनस एल डायमेंशनल एनालिसिस की दस रहा है कि व्हेन लेंथ इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम अनदर लेंथ वा लेंथ ही आंसर आएगा, है ना, तो टाइम जो टाइम तो टाइम ही आंसर आए, तो इसका मतलब अगर आप पॉइंट समझ ले है तो चेंज इन वेलोसिटी की है, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी जड़ी मर्जी हो उसका डायमेंशनल फार्मूला एलटी माइनस 1 ही रहना, पर होने का आंसर आएगा एल अगर एल जो एल माइनस करके एल आ रहा है तो एल टी माइनस 1 जो एल टी माइनस 1 करके भी आंसर,
तो ये बात रहा कि वेलोसिटी जो वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट होएगी तो आंसर वेलोसिटी वाला ही आएगा, है ना? तो इट में चेंज इन वेलोसिटी है बराबर है, तो एक्सेलरेशन की इन भी बताओ। तो चेंज इन वेलोसिटी आया है, तो ए हो गया एल टी माइनस वन टी माइनस वन, तो बेस सेम है तो पावर दैट हो गया ना। अच्छा लीनियर मोमेंटम मास इनटू तो हम हमें फार्मूला दे देते हो ना, तो आ कंसेप्ट है ओनली लाइक क्वांटिटीज कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड। हाँ कर लिया अभी नोटबुक, ठीक है? हम इसको के अगर थानू कोई कहे फोर्स है ना, अगर थानू कोई कहे वर्क फोर्स इनटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, है ना? बेसिक फार्मूला फोर्स है एनर्जी कैपेसिटी टू डू, मतलब वर्क वाला ही है ना एनर्जी, पावर वर्क पर यूनिट टाइम या एनर्जी पर यूनिट टाइम, है ना? उन्हें ऊपर जाके माइनस भी हो जाएगा ना, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, एरिया एल स्क्वायर थी वो, तो और जब ये ऊपर जाएगा ये बन जाएगा एम एल माइनस वन। अच्छा इतना ही, एक टर्म आएगी इंपल्स, याद रखना इंपल्स बेसिकली है फोर्स इंटू टाइम, हाल इधर याद रखना है। तो फोर्स एम एल टी माइनस टू है, तो टाइम टी है,